फिंगरप्रिंट के माध्यम से कूट रचना कर पैसा निकालने वाला अंतर जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार। पैन कार्ड व 39,400 रुपए नगद बरामद। गोंडा जनपद थाना तरबगंज पुलिस टीम को फिंगरप्रिंट के माध्यम से प्रधानमंत्री निरंजन खातों से अवैध रूप से कूट रचना करके लोगों के खातों से पैसा निकालने वाला एक शातिर अंतर जनपदीय अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। थाना तरबगंज पुलिस क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबरी की सूचना प्राप्त हुई थी। आपको बता दें कि एक व्यक्ति सुसेला तिराहा स्थित रामगोपाल सिंह के ग्राहक सेवा केंद्र पर मौजूद है, जो प्रधानमंत्री जनधन खाते से अवैध रूप से कूट रचना करके फिंगरप्रिंट करके इस्तेमाल कर लोगों के खातों से पैसा निकासी का कार्य कर रहा है। सूचना पर तरबगंज पुलिस ने याद राम पुत्र भोपाल निवासी मोहल्ला गांधीनगर थाना सिविल लाइन जनपद बंदायू को गिरफ्तार किया। अभियुक्त की तलाशी से उसके पास से एक पैन कार्ड व 39,400 रुपए बरामद हुए हैं। पूछताछ पर उसने प्रधानमंत्री जनधन खाते से धोखाधड़ी व कूट रचना करके खातों से पैसा निकालने की बात स्वीकार की, जिसके संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायालय रवाना किया जा रहा है। में थाना तरबगंज टीम के द्वारा एक अपराधी यादराम पुत्र भोपाल निवासी जनपद बदायूं, इसको गिरफ्तार किया गया है। यह एक शातिर किस्म का अपराधी है, जो कि जनधन अकाउंट से फिंगरप्रिंट लगाने के माध्यम से ये पैसा निकाल लेता था। इसका बैकग्राउंड यह है कि 2015 उसके आसपास जो जनधन अकाउंट खोले गए थे, जैसा इस व्यक्ति ने बताया, वो अकाउंट उसने जनपद बदायूं में करीब 200-250 अकाउंट खोले थे जनधन के, और उन सभी जनधन अकाउंट में खुद के फिंगरप्रिंट वो दे दिए थे जब अकाउंट खुलवाते वक्त। नाउ जब भी इन जनधन अकाउंट में पैसा जो भी आता है, ये व्यक्ति अपने ही फिंगरप्रिंट के माध्यम से वो पैसा निकासी कर लेता है। ऐसा इसने पूर्व में भी किया था। जनपद बदायूं में इसने ये काम जब नहीं कर पाया तो थाना तरबगंज क्षेत्र में एक CSP से इसने अपनी सेटिंग की और कमीशन पे ये कहा कि कमीशन देने के बाद में इसका जो जनधन में पैसा आया है उसको निकाल के मिल जाएगा इसको। इसी कार्य के लिए ये थाना तरबगंज क्षेत्र में आया हुआ था और CSP से इसने 39,000 के ऊपर पैसा वो निकाल भी लिया था। करीब 23 अकाउंट से ये पैसा निकला था। और मैं ये बता दूं कि ये पैसा जो कोरोना काल में, जैसा इसने बताया कि जो कोरोना काल में जो पैसा आया था 1500-1500 रुपए महिला के जो अकाउंट में, वही अकाउंट था जिनसे पैसा निकालने आया था। और पैसा निकालने के बाद में सूचना पुलिस को मालूम चली कि इस तरीके से फ्रॉड रूप से जनधन अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है, तो थाना तरमगंज की टीम ने इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इसके जो बाकी सदस्य हैं उन सभी की भी धरपकड़ की जा रही है। इनका जो भी गैंग है उन सभी के ऊपर पकड़ के उनपे गैंगस्टर की और 14-1 की कार्रवाई की जाएगी, और साथ ही साथ संबंधित को सूचित भी किया जा रहा है जो ये लोग